नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको जीएसटी के 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम शुरू करते हैं। जीएसटी में आम तौर पर की जाने वाली 5 मेन मिस्टेक्स के साथ। पहले नंबर पे जो मिस्टेक शायद काफ़ी लोग कर रहे होंगे कि B2B सेलिंग कंडीशन, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, जब आप बिजनेस टू बिजनेस परचेज कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं, इन दिस कंडीशन आपका इनवॉइस अपने बायर से या फिर अपने सेलर से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। उसका इनवॉइस नंबर, उसका इनवॉइस डिटेल्स, उसकी इनवॉइस HSN कोड्स, उसकी इनवॉइस फिगर, एवरीथिंग। अदरवाइज किसी भी मिसमैच की कंडीशन में आपको कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक वो डाटा एग्जैक्टली मैच नहीं हो जाता। ये क्लियर किया गया है GST के टर्म्स एंड कंडीशंस में। नंबर 2 पर आता है, इंटर स्टेट सेल्स के लिए एक बहुत चीज़ कंपलसरी की गई है कि जब आप अपने स्टेट से बाहर कोई माल भेज रहे हैं या फिर अपने स्टेट से बाहर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे में एड्रेस मेंशन होना टैक्स इनवॉइस के ऊपर मैंडेटरी किया गया है, लेने वाले का, सर्विसेज लेने वाले का या गुड्स लेने वाले का कंप्लीट एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसका GSTIN, हर चीज़ पूरी डिटेल में वहाँ मेंशन होनी ही चाहिए। विदाउट GST नंबर आप किसी किस्म की कोई इंटर स्टेट, यानी कि अपने स्टेट से बाहर सेल्स नहीं कर सकते हैं। ये हमने अपने एक अलग वीडियो में भी आपको डिटेल में समझाया था। तीसरे नंबर पे आता है कि जब आप कोई भी टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं, यानी कि जिसे हम पहले बिल बोल देते थे, सेल्स बिल, अब GST में उसको सेल्स बिल ना कह के हम टैक्स इनवॉइस बोलेंगे। तो जो आप टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं उसमें आप सबसे नीचे जब GST चार्ज करते हैं, सपोज़ एक आइटम पे GST 5% है, आपको उसे SGST और CGST, स्टेट और सेंटर का जो है वो अलग अलग 50-50 के रेशियो में डिवाइड करके ही आपको चार्ज करना है। अगर ये 5% टोटल आपकी आइटम पर एप्लीकेबल है तो 2.50 CGST, 2.50 SGST ही आपको बिल में मेंशन करना होगा। अकॉर्डिंगली आप अलग अलग दोनों गवर्नमेंट के अकाउंट्स में इसको डिपॉजिट भी करवाएंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। फोर्थ पॉइंट इज HSN कोड। ये हम सब जानते हैं कि 1.5 crores अगर हमारे टर्नओवर है तो HSN कोड कंपलसरी है। बट कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि HSN कोड, हमने एक टैक्स इनवॉइस के अंदर 10 तरह की आइटम सेल की तो क्या हमें 10 तरह के HSN कोड्स वहाँ मेंशन करने होंगे? तो इसका आंसर है येस, को वहाँ मेंशन अलग अलग करने ही होंगे। चलिए अगली 5वीं गलती की तरफ बढ़ते हैं कि लोग कॉम्पोजिशन स्कीम तो ले रहे हैं लेकिन सबको ये नहीं शायद मालूम है कि कॉम्पोजिशन स्कीम B2B सेलिंग के लिए नहीं बनाई गई है और ना ही बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग करने वालों के लिए इसका कोई भी लाभ है, रादर उनको नुकसान हो सकता है। जो लोग एंड कंज्यूमर को, यानी कि रिटेल काउंटर पर जो लोग माल सेल कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उन्हीं के लिए ये स्कीम बनाई गई है और केवल उन्हें ही लेनी चाहिए। 6 नंबर पर गलती आती है कि हम सब ये तो जानते हैं कि 20 लाख से कम के जिनके टर्नओवर है उनको GSTIN नहीं लेना है, लेकिन बहुत से लोग इसमें भी कुछ गलतियाँ शायद कर रहे हों कि ऐसा सबके लिए नहीं है। कुछ बहुत एक कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर, जैसे कि अगर आप बाहर किसी स्टेट में माल भेज रहे हैं तो आपको GST नंबर लेना 100% ज़रूरी है। आपने 19 लाख के टर्नओवर अपने लोकल स्टेट में की लेकिन 10,000 रुपये का माल इंटर स्टेट भेजा, आपके लिए उस 10,000 रुपये के कारण, उस 10,000 रुपये के टर्नओवर के कारण आपको GSTIN लेना ही होगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी टर्नओवर है, जितनी भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, सब एक लोकल स्टेट में ही होनी चाहिए जिस स्टेट में आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। देखते रहिए डिफरेंट मोड्स और वीडियो भी आएंगे।